अगर गुरुजी ने कहा है कि अपने परिवार के किसी की नर बलि देने से मेरा राजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मैं ये बलि जरूर दूंगी। न्यायाधी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए मुझे इसे रोकना ही होगा। मुझे मम्मी को सब बताना होगा। अरे यार जल्दी आ जाओ, रहा नहीं जाता मुझसे। आज तुम इस साड़ी में ना कयामत लग रही हो और ऐसा मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ इस पलंग को तोड़ डालो। तो फिर देर किस बात की है, तोड़ दो पलंग। वैसे भूत वाला नाटक करके माँ का अच्छा बेवकूफ बनाया। अब वो जिंदगी भर डरती रहेंगी और ना ही मुझे कभी शादी के लिए बोलेंगी और मैं जिंदगी भर इसी कमरे में रह के तुम्हारे साथ मजे करूंगा। हम बातें ही करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? बड़े चलते तो हाँ मम्मी। यश बेटा मेरी बात तो सुनो। राजन भैया तुम इंसान नहीं, तुम हैवान हो। तुमने मेरी मम्मी और मैं जानता हूँ तुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मेरी बात जो तू सोच रहा है वो सब गलत है। मेरे साथ बाहर चल, तुझे सब कुछ समझाता हूँ। चल 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 बात सुन मेरी, दूर हटो उससे। तुम जैसा घटिया और गिरा हुआ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। देखिए मैं जानता हूँ तो इस वक्त गुस्से में, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले। मुझे तुम जैसे झूठे और घटिया इंसान की कोई बात नहीं सुननी।
तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरी माँ और नेहा दी। दोनों को तुमने हवस का शिकार बनाया। मेरे पास सुन मेरे भाई पहले। और तुमने सिर्फ मेरी माँ और नेहा दी को ही नहीं, बल्कि तुमने तो बड़ी मम्मी को भी धोखा दिया है, वो भूत वाला झूठा नाटक करके। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है वो करते रहना, जितना बुरा बोलना उतना बोल लेना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई। पहले मेरी बात तो सुन यार। हे भगवान, यश ने सब देख लिया। पता नहीं क्या होगा। राजन गया तो है, तक आया क्यों नहीं है? कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं जाकर देखते हूँ। क्या हुआ? यश ने क्या कहा? तुमने बात की ना उससे? कहीं वो किसी को बता ना दे। यश को मैंने समझा दिया और वो समझ गया। बच्चा नहीं है वो, छोटा समझदार लड़का। उसको मैंने बता दिया कि ये सब अनजाने में हुआ है, हमने कोई जानबूझ के नहीं किया। और उसे ये भी कहा है कि वो इस बात को किसी से ना कहे। और वो नहीं कहेगा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? समझ गए ना? सुनो, तुम जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना क्योंकि कल मकर संक्रांति है, ठीक है? सो जाओ जाकर, वो चिंता मत करना। जाओ सो जाओ। आज मौसम काफी रोमांटिक है ना? हाँ। तो कहीं बाहर चलें। हम तैयार हैं। बताओ कहाँ चलना है? गोवा चलें? चलो। तुम दोनों ने यश को कहीं देखा क्या? मैंने तो यश को आज सुबह से नहीं देखा है। क्या? हाँ। मैंने देखा तो उसे सुबह, वो पतंग लेकर बाहर की तरफ गया था, शायद मैदान की तरफ गया होगा क्योंकि आज सभी लोग वहां इकट्ठे हुए हैं पतंग उड़ाने के लिए। पर बिना बताए कहाँ चला गया? उसने कुछ कहा भी नहीं। मासी आप टेंशन मत लो, मैं बाहर जाके देख के आती हूँ। हाँ जाओ। सुनो, मुझे लगता है कि वो रात की बात से नाराज, इसलिए वो तुम्हें बताए बिना चला गया। सुबह मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। चलो चलते। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यश बिना बताए घर से बाहर रहा, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मासी आप रो मत, यश आ जाएगा। हाँ रेणुका मत रो, वो गया है ना राजन उसे ढूंढने के लिए, वो बस उसे लेकर आता ही होगा। क्या हुआ राजन? यश कहाँ है? और तुम अकेले क्यों आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? यश कहाँ है? चुप क्यों खड़े हो? चाची जी, मैंने पूरा मोहल्ला छान लिया, कितने लोगों से पूछ लिया, लेकिन यश का कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस वाले आते ही होंगे। अरे पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? हाँ तुझे पता है ना आज तक हमारे घर में कभी पुलिस आई ही नहीं। यश का क्या है, वो गया होगा कहीं घूमने अपने दोस्तों के साथ गया होगा। बड़ी माँ मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया है, बट वो कहीं नहीं है।
अरे तो जाओ ना, ढूंढो उसे, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी पार्क में होगा, सिनेमा हॉल में होगा, मॉल में होगा, जाओ ढूंढो उसे। कहीं बाहर जाकर समय खराब करने की जरूरत नहीं, पुलिस वाले आते होंगे, वो सब कुछ देख लेंगे खुद ही। आखिरी बार यश को किसने और कब देखा? जी मैंने देखा। कब? यही तकरीबन 7-7:30 बजे। वो सुबह पतंग लेकर निकला था, शायद मैदान की तरफ गया होगा पतंग उड़ाने के लिए। हमें लगा कि शाम तक आ जाएगा, लेकिन जब वो शाम को वापस नहीं आया तो फिर हम लोग उसे ढूंढने के लिए निकले थे। और क्या वो इसी तरह पहले भी घर के बाहर इतनी देर रात तक रहता था? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे बेटे को ढूंढिए, प्लीज। देखिए आप परेशान मत होइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप मुझे यश का फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आसपास के सभी थाने में सर्कुलेट कर देंगे। क्योंकि यश बालिक है तो हमें कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा, और अगर फिर भी वो नहीं लौटा तो हम इस सारे एरिया की अच्छे से छानबीन करेंगे। और अगर आप लोगों को और कुछ भी पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। जी इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।